हेलो दोस्तों, रीडर्स बुक समय आपका फिर से स्वागत है। हमारी आज की वीडियो बुक बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी यानी कि द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जिसे लिखा है जॉर्ज एस क्लासन ने। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। यहाँ पर लेखक एक रिटायर्ड सोल्जर था जो कि बाद में एक बिजनेसमैन बन गया। उनकी एक किताब फाइनेंशियल एडवाइस पर सबसे फेमस स्टोरी है। इस किताब के आइडियाज सच में इतने इफेक्टिव हैं और आज की प्रेजेंट लाइफ में उतने ही काम के लिए हैं। इसमें एंशियंट बेबीलोन के बारे में बताया गया है और कहानी की मेन थीम है मनी यानी कि पैसा। मैनेजमेंट के साथ एक प्रिंसिपल को इस तरीके से समझना ताकि इजिली सबके समझ में आ सके, जैसे कि बेहतर फ्यूचर के लिए अपनी टोटल अर्निंग का कम से कम 10% किसी इन्वेस्ट फंड में सेव करें, जो 90% आपके पास बचता है उसमें गुजारा करें और हो सके तो उसमें भी कुछ सेविंग करें। आपके पास जो भी कैपिटल है उसे ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता रहे और आपकी सेफ स्टडी इनकम होती रहे। उन्हीं जगहों पर आप इन्वेस्ट करें जिनकी आपको अच्छी खासी नॉलेज हो, या फिर इस मामले में उन लोगों की आप मदद लीजिए जिन्हें इन्वेस्टमेंट का बेटर एक्सपीरियंस है। खुद का घर लीजिए जिससे हर महीने रेंट के पैसे बच सके। रियल एस्टेट प्रोग्राम लें और पैसे कमाने की एक से ज़्यादा तरीके ढूंढें जिससे कि आपकी इनकम इंक्रीज हो। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ, जहां हम जानेंगे कि उस आदमी के बारे में जिसे गोल्ड की डिजायर थी। जी हाँ, यह चैप्टर बंसीर की स्टोरी से शुरू होता है जो बेबीलोन का रहने वाला था। तो एक दिन वो दीवार पर बैठा किसी सिचुएशन के बारे में सोच रहा था, तभी उसका दोस्त कोबी उसके पास आया जिसे बंसीर से पैसे उधार चाहिए थे। तो बंसीर और कोबी की सालों से दोस्ती थी, लेकिन उस टाइम बंसीर के पास कोबी को देने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने कोबी को मना कर दिया। इनफैक्ट वो खुद पैसे की तंगी से जूझ रहा था। तो कोबी इस बात को सुनकर बहुत दुखी हुआ, काफी निराश हुआ और दोनों जन पैसों की प्रॉब्लम पर डिस्कशन करने लगे। दोनों को ये रियलाइज हुआ कि शायद आगे चल करके ना उनके बेटे भी जिंदगी भर गरीब रहेंगे, क्योंकि वो भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे थे। तो फाइनली जब उनकी डिस्कशन की एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर पहुंची, तो दोनों ने फील किया कि ज्यादा पैसे कमाने के तरीके ढूंढने ही होंगे। वे दोनों अपने अपने हालात का रोना रो रहे थे कि तभी उन्हें अपने दोस्त अरकत की याद आई जो कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। तो दोनों ने डिसाइड किया कि चलकर अपने दोस्त की मदद ली जाए। दोनों उसके पास गए और उसने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। तो अरकत ने उन्हें लॉ ऑफ कैपिटल के बारे में बताया। जी हाँ, हालांकि हर कोई ये मानता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता और हर चीज पैसे से कभी नहीं खरीदी जा सकती, पर अब जो कुछ भी कहें, पर यह बात भी उतनी सच है कि दुनिया में पैसा ही सक्सेस का दूसरा रूप माना जाता है। इस पर्सपेक्टिव को लेकर के ये लोग अमीरी को एक स्कोर कार्ड की तरह लेते हैं। सक्सेस भी पैसे से ही रिप्रेजेंट होती है, क्योंकि इन पैसों से इंसान जो चाहे वो खरीद सकता है और कुछ भी कर सकता है। और पास में अच्छा खासा पैसा होने से इंसान अपने लिए हर तरह की खुशी और इंजॉयमेंट को खरीद सकता है। अलग अलग लोगों की जरूरत भी अलग अलग होती है, जिसके चलते लोगों को कैश की दिक्कत होती है और कई बार अपने बिल्स भी टाइम से नहीं भर पाते। तो पैसे की इतनी ज्यादा तंगी के चलते ही कई बार लोग समझते हैं कि शायद पैसा उनके पास रुकना ही नहीं चाहता, लेकिन नहीं, ये बात बिल्कुल सच नहीं है। सच तो ये है कि पैसा बहुत है, मगर उनके लिए जो कि दौलत कमाना चाहते हैं, दौलत पाना चाहते हैं और उसके नियम को जानते हैं। अगर आप भी अच्छा खासा पैसा जोड़ना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि कम खर्चा करना सीख लीजिए और पास्ट के दुखों पर पछताने के बजाय पैसा और टाइम दोनों सोच समझकर खर्च करें। और साथ ही ला आप एक्जीवेशन ऑफ मनी पर फोकस करने आपके लिए बेनिफिट माइंडसेट होगा। जी हाँ, हमें सदियों से देखते आए हैं कुछ लोगों के पास हमेशा दूसरों से ज्यादा पैसा होता है। कई लोग इसे गुडलक समझते हैं, या फिर हो सकता है कि उन्होंने कंजूसी करके दौलत जोड़ी हो। खैर, जो भी हो, मगर जो इसे सिर्फ गुडलक समझते हैं उनके लिए जिंदगी में बनने के उतने ही चांस हैं जितने की कभी कोई जैकपॉट लगने के। जो लोग हार्ड वर्क पे डिपेंड रहते हैं, घंटों का काम करते रहते हैं, उनके अमीर होने के चांस ज्यादा बनते हैं। एक सिंपल सा अप्रोच है कि पैसा सेविंग से इकट्ठा किया जा सकता है और कुछ सिंपल रूल्स को फॉलो करने से आप अपना पैसा दुगुना तिगुना भी कर सकते हैं। तो हमें बस इन रूल्स पर, इन नियमों पर चलना होगा और थोड़ा एफर्ट करेंगे तो जरूर से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। मतलब इतना भी मुश्किल काम नहीं है। तो आइए जानते हैं आगे उन सभी चीजों के बारे में जिससे कि पैसा कमाया जा सकता है, पैसा दुगुना तिगुना भी किया जा सकता है और कैसे सेविंग की जा सकती है। तो आगे जो थर्ड चैप्टर है वो है बेबीलोन की सबसे अमीर आदमी के बारे में। जी हाँ, जब बंसीर और कोबी अरकत से मिले तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई, तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत कैसे है कि तुम अमीर हो? वो भी उनके ही जैसे ही तो थे। और तो और, उन दोनों ने शायद अरकत से ज्यादा ही मेहनत की होगी, पर फिर भी कुछ तो डिफरेंट था। अरकत ज्यादा पैसा वाला था। और इस सवाल के जवाब में अरकत ने बताया कि एक बार उसने एक बहुत अमीर आदमी अल्गमिस्ट के यहाँ पर नौकरी की थी। बदले में उसने उसे अमीर आदमी से उसकी दौलत का राज पूछा।
तो उस आदमी ने उस लॉ ऑफ मेकिंग कैपिटल के बारे में बताया जो उसने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किया था। तो अरकन ने भी वही लॉ फॉलो करना शुरू किया और देखते ही देखते वो भी अमीर बन गया। तो पैसे के बारे में अरकन ने जो भी सीखा था वो बंसीर और कोबी को बताया। मनी सेविंग का फर्स्ट और सबसे जरूरी बेसिक तरीका यह है कि अपनी अर्निंग का 10% अलग रखें और जो 90% बचता है उसमें अपने खर्चे को पूरा करने की पूरी कोशिश करें। और अगर आप इस बचे 90% से भी बचा सके तो और भी बढ़िया है। खूब सारा पैसा जमा करना है तो दो ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके हैं जो आपको अप्लाई करने होंगे। पहला है टाइम और दूसरा है स्टडी। जब हम टाइम की बात करते हैं तो ये सबके पास होता है, मगर मुसीबत तो ये है कि कुछ लोग और भी गरीब बनने के लिए इस टाइम का यूज करते हैं। आप चौंक रहे होंगे कि क्या बोल रहे हो, लेकिन आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हो। वो खुद को इतनी सारी एक्टिविटीज में इंगेज कर लेते हैं कि मनी मेकिंग ला के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचता। तो जब आप खुद को इतनी सारी एक्टिविटीज में बिजी करते हैं तो आपका टाइम पास हो जाता है, मगर इससे दौलत इकट्ठा नहीं होगी, दौलत कमाई नहीं जा सकती। वहीं दूसरी ओर जब स्टडी और रिसर्च की बात आती है तो ऐसे दो टाइप के लेसन हैं जो उनके काम आ सकती हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं। पहली है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में और दूसरी ये है कि इसे कैसे ढूंढें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। ये दो टाइप्स के लर्निंग बहुत ही कीमती भी हैं और यूजफुल भी हैं। तो नीचे कुछ बेसिक प्रिंसिपल दिए हैं जो कि पैसा बनाने के लिए जो भी कमाएं उसमें कम से कम ज़्यादा करने की आदत डालें। जब लोग मंथ एंड में आराम से बिल्स भरते हैं तब जा करके उन्हें अमीर और वेल्दी होने की फीलिंग आती है। लेकिन अमीर होने का मतलब सिर्फ बिल्स भरना या चीज़ें खरीदना नहीं होता, बल्कि इसका असली मकसद है कि आप सबसे पहले खुद को पे करते हैं। हर महीने आप जब बाकी बिल्स भर सकते हैं तब खुद को पे क्यों नहीं कर सकते। अपनी अर्निंग का 10% खुद को पे करने आपके फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करेगा। एक्चुअली में ये पैसा जोड़ने का बड़ा ही बेनिफिशियल तरीका है। ज़िंदगी में असली चीज़ तो तब आएगा जब हर महीने के शुरू में आप सबसे पहले खुद के लिए पे करेंगे। अगर आप ये कर सके तो डेफिनेटली बाकी के पैसे से पूरा महीना निकालना सीख लेंगे आसानी से, और बदले में आपकी कैपिटल रिजर्व धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। और इसीलिए कुछ बातों को ध्यान रखिए और हमेशा उनके एडवाइस लीजिए जो कि इस मामले में बेस्ट है, एक्सपर्ट है। अब जैसे कि आप बीमार है तो आप डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना कि प्लम्बर के पास। सेम बात यहाँ पर भी अप्लाई होता है। अगर आपको किसी चीज़ में एडवाइस चाहिए तो लोग उसमें एक्सपर्ट है, आपको उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि आखिरकार एक्सपर्ट की एडवाइस हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। जब आप अपने लिए कैपिटल बिल्ड करना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में स्मॉल इन्वेस्टमेंट से करें, मगर साथ ही ये भी इंश्योर कर लें कि आपका पैसा सेफ जगह में जाए। बिना जांच पड़ताल के एक भी पैसा इन्वेस्ट ना करें, वरना आपका पैसा वेस्ट चला जाएगा। हमेशा याद रखिए कि हर इन्वेस्टमेंट जेन्युइन नहीं होती है, इसीलिए आपको इस मामले में बहुत ही ध्यान से केयरफुल होने की जरूरत। इसके साथ आगे है चैप्टर नंबर 4, जहां पर हम जानेंगे 7 क्योर्स ऑफ लिविंग इन पर्स। जी हाँ, चैप्टर में राइटर ने आपके पर्स को हमेशा भरा हुआ रखने की 7 सीक्रेट शेयर किए हैं, और ये 7 टेक्निक्स हैं। नंबर 1, आपको सबसे पहले तो ये सीखना है कि आपके पर्स हमेशा भरा हुआ कैसे रहे। इसके लिए आपको बस सिंपल सा रूल फॉलो करना है। जैसे कि अगर आप अपने पर्स में 10 कॉइन्स डालते हैं जो आपने कमाए हैं, तो उसमें से सिर्फ 9 कॉइन्स स्पेंड कर लें, मतलब खर्चा करें, और बाकी बचा हुआ 1 कॉइन डालें यानी कि सेव कर लें। ये वाला रूल्स फॉलो करते ही आपका बैग तेजी से भरने लगेगा और जल्द ही आपके 9 कॉइन्स से मैनेज करना सीख। आगे है दूसरी टेक्निक जो कहती है कि आपको अपने खर्चों पर लगाम लगानी होगी। नॉर्मली माना जाता है कि जैसे इनकम कम होगी वैसे ही खर्चा करते हैं, मतलब ज़्यादा है तो ज़्यादा, कम है तो कम। लेकिन ये एकदम गलत बात है, क्योंकि ये मनी मेकिंग ला के खिलाफ है। तो अगर आपकी इनकम बढ़ भी जाए तो आपके खर्चे कम करने होंगे। अपनी डिज़ायर को नीड से कंफ्यूज ना करें। अपनी मन की रिजर्व को बढ़ाने के लिए इनकम को किसी इन्वेस्टमेंट टूल में लगाएं। और आगे है तीसरी टेक्निक जो कहती है, थोड़ा बहुत गोल्ड तो हर कोई खरीदता है, इसलिए ट्राई करें कि आप अपने गोल्ड को मल्टीप्लाई करके, जिससे कि आपके पास बहुत सारा गोल्ड हो जाएगा। फिर इसे आप लोन्स या दूसरी अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होती है। चौथी टेक्निक है कि किसी भी तरह के अनएक्सपेक्टेड लॉ से अपनी जमा पूंजी को प्रोटेक्ट करके रखें। गोल्ड या दूसरी इन्वेस्टमेंट को केयरफुली प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। रातों रात करोड़पति बनने के सपने बिल्कुल ना देखें, वरना हो सकता है कि आप अपना खजाना खो बैठे। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले 2 बार जरूर सोच लें और एक्सपर्ट की एडवाइस हमेशा जरूर। आगे है पांचवी टेक्निक जो कहती है कि अपने लिए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बनाएं। जैसे अगर आपके पास एक्स्ट्रा मकान या जमीन है तो आप उसे रेंट पर लगा सकते हैं, जिससे कि हर महीने आपका एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी और फिर उसको आप रिजर्व कर सकते हैं या फिर आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे टेक्निक नंबर 6 कहती है कि हर किसी को प्लान बना करके फ्यूचर इनकम के लिए कोई काम जरूर करना चाहिए। शॉर्ट में बोले तो अपने बच्चों, पेरेंट्स या फिर ओल्ड एज के लिए किसी भी तरह की फ्यूचर इनकम का अरेंजमेंट करना चाहिए। इसके लिए मकान या लैंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। और लास्ट में 7वीं टेक्निक कहती है कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है खुद को इम्प्रूव करें, अपनी अर्निंग एबिलिटी को इंक्रीज करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। जितना ज़्यादा कैपेबल आप होंगे उतनी ही बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहेगी और आपकी अर्निंग होती रहेगी।
आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, जो कहता है मीट द गॉडेस ऑफ गुड लक, यानी कि गुड लक की देवी से मिले। जो लोग सही अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करते हैं, गुड लक भी उन्हीं का दरवाजा खटखटाती है। गुड लक में एक ऐसी चीज है जो हर कोई अपने लिए चाहता है। हमें अपनी लाइफ में, बिजनेस में या किसी भी काम में गुड लक की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि गुड लक ना भगवान की हुई कोई चीज होती है, लेकिन असल में गुड लक ना कुछ और नहीं बल्कि अवसर है, अपॉर्चुनिटीज है जो कि हमें लाइफ में मिलती है, जिससे हम अपना टाइम और लक दोनों बदल सकते हैं। अब भला ऐसा कौन होगा जिसे अपने बिजनेस से करियर में गुड लक नहीं चाहिए। मगर बदकिस्मती से बहुत से लोग अपनी टालमटोल करने की आदत के चलते वे लाइफ में मिली अपॉर्चुनिटीज का फुल एडवांटेज ले ही नहीं पाते। जो भी अपॉर्चुनिटीज हमें मिले, हमें उसका पूरा एडवांटेज लेना चाहिए। इंसान में इतनी एबिलिटी होगी वो किसी भी तरह की बिजनेस प्रपोजल को समझ सके। तो गुड लक को अट्रैक्ट करने का ये स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव तरीका है, जो खाली हाथ पर हाथ रखकर बैठने से बेहतर है। कुछ लोग इंतजार करते रहते हैं जिसे हर चीज सिल्वर प्लेट के सामने आ जाएगी, मगर ऐसा तो होने से रहा, क्योंकि आपको अपना गुड लक क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब ये अपने आप बनकर नहीं आएगा और ये एक मेहनत का काम होगा। एग्जैक्टली बिल्कुल मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तो आप मेहनत करने की तैयारी शुरू की जाए। और आगे चैप्टर नंबर 6 कहता है गोल के 5 लॉज कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, जो इंसान अपनी इनकम को मंथ एंड तक सेव करता है, वो अपने और फैमिली के बेटर फ्यूचर के लिए आराम से गोल्ड जमा कर सकता है। जो लोग गोल्ड को प्रोडक्टिव तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, ये उनको बड़ी जल्दी और आसानी से प्रॉफिट दिलाता है। बुद्धिमान लोग सही ढंग से सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए उनके पास ही गोल्ड रहता है। जो लोग गलत तरीके से गोल्ड को बेवजह कहीं भी इन्वेस्ट कर लेते हैं, उन्हें गोल्ड से कोई प्रॉफिट नहीं होता बल्कि उल्टा नुकसान ही हो जाता है। गोल्ड ग्रीडी यानी कि लालचों से दूर भागता है, जो इसे ऐसे प्रॉफिट्स को बनाने के लिए यूज करते हैं जो कि एक तरीके से इम्पॉसिबल होते हैं। तो गोल्ड के इन 5 लाखों हमेशा दिमाग में रखिए। और आगे इसी के साथ चैप्टर नंबर 7, जो कहता है कि बेबीलोन का गोल्ड लैंडर। जी हाँ, इस चैप्टर में स्टोरी थोड़ी डिफरेंट फैक्ट पे मूव हो जाती है। ये कहानी एक स्पेयर की है, जिसे राजा से 50 पीस गोल्ड फ्री मिलता है। उसे बढ़िया क्वालिटी के स्पेयर बनाने होते हैं। तो स्पेयर मेकर रुदानी मनी लैंडर के पास जाता है, जिसका नाम था माथोन। रुदान माथोन से मॉनिटरी एडवाइस लेना चाहता था, क्योंकि उसे इस बारे में खास आइडिया नहीं था। और साथ ही उसने ये भी बताया कि उसकी बड़ी बहन यानी हस्बैंड आरामन के लिए कुछ पैसे चाहती थी, जिससे कि वो एक मर्चेंट बन सके। रोदान की बात सुनकर के माथोन उससे कहता है कि वो उसे दो डिफरेंट स्टोरी सुनाएगा, जिसे सुनकर के शायद वो कुछ बेहतर डिसीजन ले सके। तो अपने दोस्त की हेल्प करना कॉमन बात है। अगर आप मदद कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से करें कि वो भी आपके दोस्तों को कोई एहसान ना लगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए माथोन ने एक फार्मर की स्टोरी सुनाई, जिसे एनिमल की लैंग्वेज आती थी। तो बैल को गधे से बात करते सुना कि मेरा काम तुम्हारे काम से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मुझे पूरा खेत जोतना होता है, जबकि तुम अपनी फार्मर की सवारी कराते हो। अब बैल की बात सुनकर गधे ने कहा कि तुम कल बीमार होने की नाटक कर लेना, फिर तुम्हारा काम मैं कर लूंगा। दूसरे दिन प्लान के हिसाब से बैल बीमार हो गया, तो फार्मर ने उसके बदले गधे को खेत जोतने के काम में लगा दिया। शाम को बैल ने गधे का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसकी इतनी मदद की और उसे रेस्ट करने की मौका दिया। ये बैल और गधे की ट्रू फ्रेंडशिप की स्टोरी थी, जो माथोन ने रुदान को सुनाई। अब स्टोरी कुछ इस तरह से है। एक बार माथोन ने रुदान से पूछा कि क्या इसे ट्रू सेंस में पाना चाहिए। लोन लेने वाला इंसान उसे रीपे ना कर सके, तो माथोन ने खुद ही अपने सवाल का जवाब भी दिया। उसने कहा कि 3 टाइप के सोच होते हैं। फर्स्ट टाइप के वो जो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लोन लेते हैं, सेकंड टाइप के वो जो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लोन बोरो करते हैं और रिटर्न भी आराम से करते हैं, और थर्ड टाइप के वो होते हैं जिनके पास ना ही कोई प्रॉपर्टी होती है और ना ही किसी भी प्रकार का इनकम सोर्स। तो ये लोग लोन तो ले लेते हैं मगर कभी भी रिटर्न नहीं कर पाते, तो इन थर्ड टाइप के लोगों को कभी लोन नहीं देना चाहिए। तो इससे रिलेटेड कुछ और भी टॉप स्टोरीज हैं, जैसे कि एक औरत अपने बेटे को मर्चेंट बनाने के लिए पैसे उधार लिए थे। उसने अपने गहने गिरवी रखने के लिए दिए तो उसे मना नहीं कर पाया। माथोन को यह आइडिया पसंद आया कि पैसे के बदले रियल सिक्योरिटी यानी कि गोल्ड गिरवी रखा जा सकता है, जिससे उधार देने वाला भी घाटे में ना रहे। तो बेसिकली एक वाइस पर्पस था कि मोरल स्टोरी ये है कि आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए लोगों को गोल्ड प्रोवाइड करा सकते हैं। किसी को उधार देने से पहले श्योर कर लें कि लोन लेने वाला आपके पैसे लौटा पाएगा या भी नहीं। अगर आपके पैसे फंस गए तो इससे आपका बड़ा लॉस होगा, इसलिए बेटर होगा कि थोड़ा अलर्ट रहा जाए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। हमेशा अपने सिक्योरिटी का ध्यान पहले रखें। इन दोनों स्टोरी से सीखिए कि दूसरों का बोझा अपने सर पर न ढोएं, और दूसरी सीख ये कि अपना इनकम इंक्रीज करने के लिए लोन पे पैसे को देना एक बढ़िया आइडिया है, लेकिन पॉइंटलेस प्लेजर यानी कि बेमतलब के लिए पैसे को उधार देने से आपका लॉस हो सकता है। तो आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे है चैप्टर नंबर 8, बेबीलोन की दीवार। वॉल्स ऑफ बेबीलोन की नीड्स और प्रोटेक्शन के डिजायर का एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है।
इस चैप्टर एक सोल्जर की स्टोरी है जो बेबीलोन के गेट का गार्ड था। अपनी 100 सिक्योर फीट हाइट की वजह से बेबीलोन के वॉल्स बहुत ही प्रसिद्ध थी। एक बार एक दुश्मन ने बेबीलोन पर अटैक कर दिया। 4 हफ्तों तक लड़ाई चलती रही, मगर फिर दीवार की हाइट और थिकनेस की वजह से दुश्मन ने हार मान ली और पीछे हट गया। इस स्टोरी से हमें यह सीख सकते हैं वो ये है कि हम चाहे तो किसी भी अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडी को गार्ड कर सकते हैं, बस खुद को शांत रखने की जरूरत है। इसी के साथ चैप्टर नंबर 9 है, बेबीलोन का कैमल ट्रेडर। ये चैप्टर एक भूखे आदमी के बारे में है जो 2 दिनों से भूखा था, इसलिए उसने अंजीर चुरा करके खा लिया और इससे पहले कि पकड़ा जाए वो भाग गया। तब उस भूखे आदमी से, जिसका नाम तारकत था, एक दवा सिर नाम के आदमी से टकराया। दवा सिर कभी सीरिया में स्लेव हुआ करता था, गुलाम हुआ करता था। किसी जमाने में अपने फादर के साथ सैंडल मेकिंग बिजनेस में हाथ बटाता था, लेकिन अपने एक्स्ट्रा वैगेंट लाइफ की वजह से उसने अपना सारा पैसा उड़ा डाला था। उसके सर पर उधारी चढ़ गई थी और उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई थी। तो दवासेर तारकत को एक ढाबे पर लेकर गया, उसको खाना पीना खिलाया। उसने तारकत को लाइफ की ट्रेजेडी स्टोरी बताई कि कैसे वो सीरिया में गुलामी की जिंदगी जी रहा था और वहाँ से किसी तरीके से बच करके भाग गया। फिर उसे एक नया मास्टर मिला जिसने उसे अपनी बीवियों के हरण की देखभाल के लिए गार्ड की नौकरी दे दी। किस्मत से उसके मास्टर की सबसे बड़ी वाइफ ने कहा कि उनके पास पहले से बहुत से गार्ड हैं, इसीलिए तारकत को कैमल की देखभाल का काम दे दिया गया। और इसी तरीके से सब कुछ लुटा करके गरीबी की मार झेल रहे एक इंसान को फिर से अच्छे लाइफ जीने का मौका मिला और वो हर तरह से आज़ाद हो गया था। इस कहानी से हम ये समझ सकते हैं, जहाँ पर डिटर्मिनेशन होती है, उम्मीद होती है, आशा होती, एक विश्वास होता है, वहाँ कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। बस अपने आप पर भरोसा रखें। और इसी भरोसे के साथ सीखेंगे कि चैप्टर नंबर 9 है बेबीलोन के क्ले टैबलेट। जी हाँ, यह चैप्टर 5 टैबलेट में डिवाइड है। हर टैबलेट में दवा सिर की स्टोरी और भी डिटेल में दी गई है। इसमें बताया गया है कि दवा सिर ने कैसे अपने सारे कर्जे उतारे और अपनी वाइफ के साथ हेल्दी और वेल्दी लाइफ जीने लगा। टैबलेट नंबर 1 में दवा सिर ने कैपिटल मेकिंग लॉ को फॉलो किया और अपनी सैलरी का 10% हर महीने बचाया। जब वो बेबीलोन वापस आया तो उसकी बीवी भी उसके पास लौट आई और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। दवा सिर अपनी अर्निंग का 7/10 से अपने सारे बिल्स भर देता था, फिर बचे हुए पैसे से वो पूरा महीना निकाल लेते थे। वो बाकी के बचे 2 सेंट्स के क्रेडिटर्स के कर्जे चुका देता था। दूसरे टैबलेट में वो अपने 2/10% मनी को स्प्लिट करता था, फिर क्रेडिटर्स की लिस्ट बना करके देखता था कि उसको कितने को पैसे देने हैं या कितने लोगों को उसका पैसा चुकाना है। तीसरी टैबलेट में दवा सिर ने एक्सेप्ट किया कि जब वो बेबीलोन में था तब उसने बेवकूफ़ी भरे बड़े काम किए थे। उसके कुछ क्रेडिटर्स उसकी हरकतों के लिए उसे कोसते रहते थे, कुछ पैसे लौटाने के लिए धमकाते और कुछ रिक्वेस्ट करते थे कि वह उनका पैसा चुका दे, मगर इस बार दवा सिर ने पक्का इरादा किया था कि वह सबकी पाई पाई चुका देगा। चौथे टेबलेट में दवा सिर ने एक्सप्लेन किया कि वो उसकी वाइफ अब खुशी से एक हेल्दी और वेल्दी लाइफ जी रही है। तो जो मनी मेकिंग लॉ से अपने लाइफ में अप्लाई किए हैं उसे उसकी ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पर आ गई थी और अभी एक स्लेम नहीं रहा बल्कि एक रिस्पेक्टेड आदमी बन गया था। फिफ्थ टैबलेट में दवा सिर ने कहा कि अब 12 महीने हो गए हैं और उसने अपने सारे कर्ज उतार दिए हैं। अपनी अर्निंग का 2/10 स्प्लिट करके दवा सिर ने अपने सारे क्रेडिटर्स को बराबर पैसे दे करके सारा कर्जा उतार दिया था और आप भी ऐसा कर सकते हैं। और आगे है चैप्टर नंबर 11 जो है बेबीलोन का सबसे किस्मत वाला आदमी। जी हाँ, इस चैप्टर में एक नया कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है सारुनंदा, जो बेबीलोन का मर्चेंट प्रिंस था। वो भी कभी स्लेव हुआ करता था। उसने अपनी जिंदगी की डिफिकल्टीज को शेयर किया और ये भी बताया कि कैसे उसे सारे प्रॉब्लम से छुटकारा मिला और अब उसके पास इतना पैसा था कि वो अपनी फ्रीडम खरीद सकता था और अपनी आज़ादी को खरीद सकता था। हालांकि वो आज एक मर्चेंट बन गया था, मगर कभी ऐसे भी दिन था कि उसे यकीन नहीं था कि वो अपने मास्टर की नौकरी छोड़ पाएगा या नहीं। सच बात यह है कि काम ही दौलत की चाबी होती है, इसलिए उसने बहुत हार्ड वर्क किया और एक सक्सेसफुल मर्चेंट बन गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं कुछ और ऐसी कहानियों के साथ। चैप्टर नंबर 12 है बेबीलोन का हिस्टोरिक स्केच। बेबीलोन एक अमेजिंग एग्जांपल है कि लोग कैसे अपने लाइफ में सक्सेसफुल और वेल्दी बन सकते हैं। बेबीलोन सिटी एक ट्राई ऑफ फ्लैट वैली में है जहाँ खेती करने लायक बारिश भी नहीं होती है। इस सिटी में कोई फॉरेस्ट एरिया भी नहीं है, फिर भी लोग यहाँ रहते हैं और उन्होंने ग्रेट सक्सेस अचीव की है। तो बेबीलोन की सारी वेल्थ और अमीरी एक इंसान के द्वारा बनाई गई है। जी हाँ, और इसी के साथ जो आखिरी चैप्टर है नंबर 13, वहाँ पर कंक्लूजन ये निकलता है कि याद रखिए कि जो भी गुड और मनी अपने सेविंग से बचाई है एक दिन आपके लिए वो काम करेगा जैसे कोई स्लेब करता है, और पैसे से ही आप और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। आपको ये जानना है कि अपनी अर्निंग को कैसे सेव करें, इसके लिए आपको लॉ ऑफ कैपिटल मेकिंग को मेंटेन कैसे करना है।
हर महीने के स्टार्टिंग से ही अपने अर्निंग का 10% ही सेव करना शुरू करें। हमेशा हार्ड वर्क में बिलीव करें और अपनी इनकम बढ़ाने के लिए डिफरेंट तरीके ढूंढें। अपनी कैपेबिलिटी और क्वालिटीज को इंक्रीज करते रहें। शॉर्टकट ना अपनाएं। बेहतर होगा कि याद रखिए कि जो आराम से हाथ लगता है उतनी ही आसानी से चला भी जाता है, और हम फिर सोचते रह जाते हैं कि ये मेरे साथ क्या हुआ। इसीलिए हार्ड वर्क कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा सेव कर सके। जो भी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिले लपक लीजिए। अपना पैसा सिक्योर जगह पर इन्वेस्ट करें और हमेशा एक्सपर्ट की एडवाइस लेना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी के साथ समरी यहीं पर खत्म होती है। तो कमेंट बॉक्स में लिख करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि आपको इस समरी से क्या सीखने को मिला, कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी और कौन सी वो बात है जो आज से अभी से फॉलो करना चाहते हो।